आज की इस 51वीं स्थापना दिवस परेड की कमान संभालेंगे श्री सुधीर वर्मा सेनानायक। परेड के द्वितीय कमान अधिकारी होंगे श्री मनोरंजन कुमार पांडे। आज की इस स्थापना दिवस परेड में सशस्त्र सीमा बल का मुख्य बैंड दस्ता अपनी मधुर स्वर लहरियां बिखेरने जा रहा है। ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक गणेश दत्त पांडे। पाइप व ड्रम बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक मोहम्मद बी डोजा। इस परेड में 8 अधिकारी, 4 अधीनस्थ अधिकारी एवं 404 अन्य कर्मी भाग लेने जा रहे हैं। इट इज एन ऑनर टू वेलकम यू ऑल एट दिस रिस्प्लेंडेंट परेड ग्राउंड ऑफ 25th बटालियन गिटॉर्नी। वेरी सून दिस ऑगस्ट गैदरिंग विल बी ए विटनेस टू द कलरफुल परेड ऑफ 51st एनिवर्सरी डे सेरेमनी। First, the parade will present general salute to the additional director general, followed by the director general, and then it will pay its respect to the honorable minister of state for home affairs, government of India, Shri Hari Bhai Parthi Bhai Chaudhary. Thereafter, the honorable chief guest will inspect the parade. This will be followed by the march past and his address to the gathering. Is parade ground ko manmohak banane mein jin logon ke athak prayas rahe hain वे हैं 25वीं वाहिनी के कमान अधिकारी श्री मनमोहन सिंह सेनानायक एवं वाहिनी के समस्त अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारीगण बधाई के पात्र हैं। मनमोहक मैदान मानो तैयार है इस 51वीं स्थापना दिवस परेड का साक्षी बनने के लिए। यहां की मिट्टी का कण कण मानो प्रफुल्लित है 51वीं स्थापना दिवस परेड का हिस्सा बनकर। This year has been witness to a number of events to commemorate our flourishing 51 years of service to the nation. Ladies and gentlemen, with great pride, I would like to inform you that the SSB has been able to put smile on faces of 263 children by performing cleft lips surgery on them. Apart from adopting 309 number of girls' schools, SSB has helped to open 1,59,464 bank accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Apart from this, in the event of disasters like the drowning of 24 engineering students in River Bias in Himachal Pradesh or the natural calamity of Jammu and Kashmir this year, the SSB troops have been the first respondents in saving the lives and property of the people. Ladies and gentlemen, this is not the first time that SSB has been first. In fact, always initiating the first step has been amongst one of SSB's rich traditions. May it be SSB's sterling role in the IPKF or raising of village volunteer force on the borders. I may also inform you that the elite National Security Guards, the NSG, was raised by two companies of SSB in the year 1986. वर्ष 1963 में भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से एसएसबी की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र में अर्जित अनुभव की पृष्ठभूमि में भारत नेपाल व भारत भूटान सीमाओं के विशिष्ट और व्यापक प्रबंधन का दायित्व इस बल को सौंपा गया है। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन राष्ट्रों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और ये सीमाएं खुली हुई हैं। इन कारणों से सीमा प्रबंधन में सावधानी एवं संयम बरतने की आवश्यकता पड़ती है। सीमावर्ती जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए सशस्त्र सीमा बल को यह सुनिश्चित करना होता है कि आतंकवादी एवं अलगाववादी तत्व भारतीय सीमा में प्रवेश कर अपने नापाक इरादों को अंजाम न दे सके। सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी व जवान इस संवेदनशील स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने का अथक प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिशों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, धर्म हमारा है सेवा, प्रेम भाईचारा, देश की खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल।
मार्गर्स काल इस बात का ऐलान कर रही है कि अब 51वीं स्थापना दिवस में परेड में भाग लेने जा रही सैन्य टुकड़ियां भारत के जवान धुन पर परेड मैदान में प्रवेश करने जा रही हैं। इन टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं परेड सूबेदार मेजर संतोष लाल। आपके सम्मुख प्राचीर द्वार से पंक्तिबद्ध सशस्त्र सीमा बल की गौरवशाली पोशाक में सजी धजी सैन्य टुकड़ियां अपने चटक अनुशासित कदमों से बैंड की रोमांचकारी सुमधुर प्रहरी पर कदम से कदम मिलाकर मार्च करती हुई प्रवेश कर रही है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सलामी परेड एक सैन्य बल की वीरता, ओज व गर्व को दर्शाता है। गर्व से ऊंचा मस्तक, कदम से कदम मिलाकर चलते ये जवान अपने मार्च पास से सशस्त्र सीमा बल के ओजपूर्ण और उच्च मनोबल वाले नए युवा स्वरूप को परिलक्षित कर रहे हैं। जवानों के सभी कदम अनुशासित बल के प्रतीक हैं। औरों की धरती पर आग नहीं हो सकते पर अपने पर औरों का अधिकार नहीं हो सकते। आज बता दें कि हम अपने सबके अनुष्ठान के भारत माता के हम आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताते चलेंगे। सबसे पहले परेड अपर महानिदेशक और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का जनरल सलूट से स्वागत करेगी। उसके बाद परेड माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री हरिभाई परथी भाई चौधरी को जनरल सलूट देगी। तत्पश्चात माननीय गृह राज्य मंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद परेड मंच के सामने से गुजरेगी। मार्च पास के बाद माननीय मुख्य अतिथि परेड को संबोधित करेंगे। परेड की समाप्ति के बाद बल के सदस्य रोमांचक एवं लोमहर्षक करतब का प्रदर्शन करेंगे। परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री मनोरंजन कुमार पांडे परेड की कमान परेड सूबेदार मेजर संतोष लाल से ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हुए स्थापना दिवस पर चार अधीनस्थ अधिकारी 404 अधीनस्थ
उपस्थित है श्रीमान जल साहब। परेड की कमान परेड सूबेदार मेजर द्वारा परेड के द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपी गई। परेड सेकंड इन कमांड श्री मनोरंजन कुमार पांडे हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द परेड। लेडीज एंड जेंटलमैन श्री पांडे सेकंड इन कमांड इज अ 2000 बैच डायरेक्ट ऑफिसर एंड इज प्रेजेंटली द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 63rd बटालियन एसएसबी बारासात वेस्ट बंगाल। द ऑफिसर हैज आल्सो सर्व्ड इन द डिस्टर्ब्ड एंड इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। His contribution has been remarkable in controlling the communal riots of 2012 in the state of Assam. अब सशस्त्र सीमा बल के युवा अधिकारी परेड के द्वितीय कमान अधिकारी के आदेश पर अपनी अपनी परेड टुकड़ियों का नेतृत्व संभालने के लिए अग्रसर होते हुए प्राचीर द्वार के ठीक सामने खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां समारोह के अनुरूप पोशाक में मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही हैं। परंपरागत पोशाक में सजे धजे ये जवान पूरे उत्साह और जोश के साथ 51वीं स्थापना दिवस परेड में भाग ले रहे हैं। प्राचीर द्वार के ठीक ऊपर 8 बिगुल वादक और 3-3 किले के दाहिने और बाएं ओर तैनात हैं, जो मुख्य अतिथि के आगमन पर आपसी समायोजन से कुछ इस प्रकार बिगुल बजाएंगे कि मैदान में हर तरफ से बिगुल की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। किले की दीवार पर लहराते ध्वज हाथों में थामे 18 लांसर्स समारोह की भव्यता में 4 चांद लगा रहे हैं। This parade consists of 8 marching contingents and the SSB band. Ladies and gentlemen, on your extreme left, the first contingent is of Raniket Frontier, led by Assistant Commandant Shekhar Pratap Singh. बाएं से दूसरी टुकड़ी लखनऊ फ्रंटियर की सहायक सेना नायक निरुपेश के नेतृत्व में। Third contingent from left is of Patna Frontier under the command of श्री गिरधारी लाल डागर असिस्टेंट कमांडेंट। पटना फ्रंटियर के बाद सिलीगुड़ी फ्रंटियर कमान संभाली है सहायक सेनानायक श्री पार्थ सारथी राय ने। एंड एट द सेंटर ऑफ द फोर्ट गेट इज द एसएसबी बैंड। द ब्रास बैंड इज अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे एंड द पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड इज लेड बाय इंस्पेक्टर मोहम्मद बी डोजा। बैंड के ठीक बगल में गुवाहाटी फ्रंटियर की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सहायक सेनानायक अशोक कुमार। गुवाहाटी फ्रंटियर के ठीक बाद है प्रशिक्षण दस्ता सहायक सेनानायक श्री अनिल पाल के नेतृत्व में। देन कम्स दी महिला प्लाटून रिप्रेजेंटिंग द महिला बटालियन ऑफ सशस्त्र सीमा बल। लेट मी रिमाइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन दैट एसएसबी हैज बीन पायनियर इन इंडक्टिंग महिला कांस्टेबल्स इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज। द महिला कंटिंजेंट दिस टाइम इज अंडर द कमांड ऑफ सब इंस्पेक्टर रूबी सिंह। मंच के दाहिने छोर पर एसएसबी का श्वान दस्ता कमान है उप निरीक्षक शैलेंद्र शुक्ल के हाथों में। यह श्वान दस्ता भारत नेपाल व भारत भूटान सीमा पर हमारे जवानों के साथ सीमा रक्षा का कार्य बखूबी निभा रहा है।
51वीं स्थापना दिवस परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री मनोरंजन कुमार पांडे, परेड कमांडर श्री सुधीर वर्मा सेना नायक को परेड की कमान सौंपने के लिए आगे बढ़ते हुए। जय श्रीमान। 51वें स्थापना दिवस परेड पर 7 राजपत्रित अधिकारी, 4 अधीनस्थ अधिकारी, 404 अन्य उपस्थित श्रीमान। जय श्रीमान। We are pleased to have some foreign dignitaries with us. Mr. Kipchu Namgyal, Chief of Royal Bhutan Police. Mr. Koshraj Onta, Inspector General, Armed Police Force, Nepal. सशस्त्र सीमा बल का निशान अब परेड ग्राउंड पर आएगा। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा अनुरोध है कि निशान के सम्मान में खड़े हो। वर्दीधारी अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी निशान के सम्मान में सैल्यूट करें। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में राष्ट्रपति महोदय ने सशस्त्र सीमा बल को यह निशान दिया था। यह निशान सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और कर्मचारियों के अनाम उत्सर्ग, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। निशान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री अरविंद मीणा, सहायक सेनानायक। सशस्त्र सीमा बल के लिए यह निशान वैसा ही सम्माननीय है जैसा कि हम सबके लिए हमारा प्यारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। यह निशान हमें कर्तव्य पथ पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। अवसर पर हमारे कुछ विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। ये है श्रीमती स्नेहलता, सचिव सीमा प्रबंधन, साथ ही रॉयल भूटान पुलिस के प्रमुख श्री किपचू नामग्याल, सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के महानिरीक्षक श्री कोशराज ओंटा ने हमारे बीच उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई है। Ladies and gentlemen, Additional Director General Sashastra Seema Bal Shri Somesh Goyal would be arriving shortly.
हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के अपर महानिदेशक श्री सोमेश गोयल के आगमन की। ६२ में हुए भारत चीन युद्ध के बाद उपजी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई। एसएसबी की स्थापना इस उद्देश्य व दर्शन को ध्यान में रखकर की गई थी कि सीमा की सुरक्षा मात्र सशस्त्र सेना का ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षित और स्वप्रेरित सीमावर्ती जनता के योगदान भी आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख के सीमावर्ती लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और उनमें देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के उद्देश्य के बीच एसएसबी का जन्म हुआ। बाद में 1965 से 1995 के बीच एसएसबी का कार्य क्षेत्र बढ़कर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और जम्मू तथा कश्मीर के कुछ क्षेत्रों तक फैल गया। कुछ ही क्षणों पश्चात अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का आगमन होने वाला है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल श्री सोमेश गोयल हैज अराइव्ड। ही इज बीइंग ग्रीटेड बाय सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स। Now he's heading towards the saluting base. सोमेश गोयल 1984 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से परास्नातक श्री गोयल ने पुलिस सेवा में आने से पूर्व रोहतक के वैश्य कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला और लाहौल स्पीति के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र एवं चंबा में आपने पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न दायित्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया। हिमाचल प्रदेश के उप महानिरीक्षक के रूप में आपने हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया। वर्ष 2007 में आपको महाराणा प्रताप बेस्ट बॉर्डर मैनेजमेंट ट्रॉफी से नवाजा गया। सीमा सुरक्षा बल कोलकाता के महानिरीक्षक रहते हुए आपको एनडीआरएफ की पहली बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है।
2009 में आप पुलिस अपर महानिदेशक के पद पर पदोन्नत हुए तथा हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण तथा राज्य सतर्कता ब्यूरो में अपर महानिदेशक पद को आपने सुशोभित किया। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, कठिन सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड मेडल, आंतरिक सुरक्षा पदक तथा सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से अलंकृत श्री गोयल कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। अपने कार्यालयी दायित्वों के अतिरिक्त श्री गोयल को फोटोग्राफी में रुचि है और इस क्षेत्र में भी आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सोमेश गोयल पुस्तक लेखन में भी गहरी पैठ रखते हैं। आपकी अब तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आपके लेख भी समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात आदरणीय महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री बंसीधर शर्मा हम लोगों के बीच पधारने वाले हैं। Director General Sashastra Seema Bal has arrived. He is being greeted by the senior officers of the force. Now the DGSSB is heading towards the saluting base. राजस्थान के चुरू जिले में 1957 में जन्मे श्री बंसीधर शर्मा पश्चिम बंगाल काडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वनस्पति विज्ञान में परास्नातक श्री शर्मा ने भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद कई महत्वपूर्ण पद जैसे अपर पुलिस अधीक्षक बारखपोर मुर्शिदाबाद तथा दक्षिण 24 परगना जिले के पुलिस अधीक्षक के पद को सुशोभित किया। सीमा सुरक्षा बल में जैसलमेर में उप महानिरीक्षक, तत्पश्चात जम्मू कश्मीर में महानिरीक्षक रहते हुए आपने भारत पाकिस्तान सीमा पर अपनी शानदार सेवाएं दी। पश्चिम बंगाल काडर में वापस आने के बाद महानिरीक्षक के रूप में आपको राज्य की सभी जेलों का प्रमुख बनाया गया। इस 5.5 साल की अवधि में श्री बंसीधर शर्मा ने जेलों के वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए सांस्कृतिक उपचार के नवीन विचार का सूत्रपात किया। सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत श्री बंसीधर शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल में विशेष महानिदेशक रहते हुए दर्पण परियोजना का प्रारंभ किया। अभी हाल ही में मानव मूल्यों की रक्षा और भारत बांग्लादेश के सीमा रक्षा बलों के बीच समन्वय के क्षेत्र में आपके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार ने 22 सितंबर 2013 को आपको सम्मानित किया है। आज के शुभ अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी सांसद की उपस्थिति के हम सभी आभारी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडेज चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री हरि भाई परथी भाई चौधरी वुड बी अराइविंग शॉर्टली।
माननीय मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री हरि भाई परथी भाई चौधरी का आगमन हो चुका है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, अपर महानिदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित, स्नेह बंधन शक्ति देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित, आप आए हैं हृदयनम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। श्री सुधीर वर्मा सेनानायक, जिन्होंने 11 वर्ष एसपीजी में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं, आज के इस 51वें स्थापना दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। वे मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध करेंगे। सशस्त्र सीमा बल 51वां स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड कमांडर के अनुरोध को मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और वे निरीक्षण वाहन पर सवार हुए। साथ में है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक व परेड कमांडर। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हरि भाई परथी भाई चौधरी का जन्म 20 जुलाई 1954 में गुजरात के जगन गांव में हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक श्री चौधरी ने 1980 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया। बनासकांठा निर्वाचन क्षेत्र से आप 3 बार सांसद चुने गए। अपने मृदुल व्यवहार और गहरी राजनीतिक समझ के आधार पर सार्वजनिक जीवन में आप सफलता के सोपान चढ़ते चले गए। वित्त संबंधी स्थायी समिति और लोक लेखा समिति के अतिरिक्त आपने कई समितियों के सदस्य रहते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी। 9 नवंबर 2014 से हमारे गृह राज्य मंत्री होने से पूर्व आप गुजरात सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं। Ladies and gentlemen, we have some foreign dignitaries with us today. That is Mr. Kipchoge Namgyal, Chief.
चीफ ऑफ रॉयल भूटान पुलिस मिस्टर घोष राज औंटा इंस्पेक्टर जनरल आर्म पुलिस फोर्स नेपाल वी आर ऑल्सो प्लीज टू हैव श्रीमती स्नेहलता सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट एंड श्रीमती मीनाक्षी लेखी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी संगठन के लिए 51 वर्ष पूर्ण करना गौरव की बात है। एसएसबी की विगत 51 वर्ष की अवधि कई कीर्तिमानों से सुसज्जित है। इसी गौरव में इतिहास से गौरवान्वित अपने दिलों में उमंग लिए सशस्त्र सीमा बल के ये सजीले जोशीले सैनिक हर मुश्किल का सामना करने को तत्पर है। सजा हुआ मैदान, उत्साही सैन्य दल, आत्मविश्वास और खुशी इनके चेहरे पर मुखरित हो रही है। आज इनके चेहरे का प्रदीप्त तेज प्रतीक है इनके कठिन परिश्रम का, इनकी उपलब्धियों का, देशवासियों के स्नेह और विश्वास का, जिसने इनमें त्याग, बलिदान, अनुशासन, सहिष्णुता व कर्मठता का अनूठा समायोजन कर इन्हें आभायुक्त कर दिया है। मुख्य अतिथि का निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर, समस्त प्रांगण अभिभूत है आपकी उपस्थिति से। शब्द मौन है, केवल भावनाएं उमड़ रही हैं हर्षातिरेक से। Honorable Chief Guest, the Director General and the Parade Commander have now returned to the saluting base. इक्यावनवीं स्थापना दिवस के परेड कमांडर श्री सुधीर वर्मा सेनानायक, मुख्य अतिथि महोदय से परेड को तेज चाल से मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त कर वापस अपने स्थान पर जाते हुए। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। मातृभूमि के कण कण के ऋणी हैं हम और इसी ऋण की खातिर अपना खून बहाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं हम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, वो जंग की खड़ी तो तुम गुहार लो, आन बान शान यानी जान का हकान,
आज एक धनुष के बाण से उतार विश्व की विकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध जीतो वीर का प्रमाण है। जीत की हवस नहीं किसी में कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है तो करो बीमार। परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री मनोरंजन कुमार पांडे, सलामी मंच की ओर बढ़ता पहला दस्ता रानी खेत फ्रंटियर का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक सेनानायक शेखर प्रताप सिंह। अगली टुकड़ी लखनऊ फ्रंटियर की कमान संभाली है सहायक सेनानायक निरुपेश कुमार ने। इनके ठीक पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई पटना फ्रंटियर के ये जोशीले सैनिक नेतृत्व कर रहे हैं सहायक सेनानायक गिरिधारी लाल डागर। अब सलामी मंच पर मुख्य अतिथि का सम्मान करते हुए मंच के सामने से गुजरती अगली टुकड़ी है सिलीगुड़ी फ्रंटियर की, नेतृत्व कर रहे हैं सहायक सेनानायक श्री पार्थ सारथी राय। और अब सलामी मंच की तरफ बढ़ता सशस्त्र सीमा बल के आन बान शान का प्रतीक निशान सहायक सेनानायक अरविंद मीणा के हाथों में। लहराते हाथों और सभी कदमों से मंच के सामने से गुजरता गुवाहाटी फ्रंटियर नेतृत्व सहायक सेनानायक अशोक कुमार के हाथों में। इनके ठीक पीछे कदम से कदम मिलाता प्रशिक्षण दस्ता सहायक सेनानायक अनिल पाल के नेतृत्व में। और अब मंच के सामने से गुजरती सशस्त्र सीमा बल की जाबाज महिलाएं, नारी शक्ति को परिलक्षित करती बल्कि ये महिलाएं जिनका नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक रूबी सिंह। अंत में सशस्त्र सीमा बल का श्वान दस्ता उप निरीक्षक मंच के सामने से गुजरता हुआ। Here comes the SSB band, ladies and gentlemen. The brass band is led by Inspector Ganesh Dutt Pandey and pipes and drums band by Inspector Mohammad B. Doza. सशस्त्र सीमा बल का प्रत्येक जवान अद्भुत आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का द्योतक है कि भारत नेपाल व भारत भूटान सीमा इस बल के हाथों पूरी तरह सुरक्षित है। सशस्त्र सीमा बल का हर सदस्य राष्ट्र की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर और कृतसंकल्प है। बल का हर सदस्य यह मानता है कि उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प लिए हमारे जवानों के कारण ही हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने की खातिर सरहद पर एसएसबी का जवान रात भर जागता है। जननी जनभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी का उद्घोष करती हुई जोश उमंग व उत्साह से भरी ये टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही जोशीले अंदाज में मार्च करते हुए वापस निरीक्षण रेखा पर पहुंच रही है।
न देखा कभी न सुना है। देशों का सरताज यह भारत देश है कि धुन पर कदम मिलाकर समीक्षा क्रम में आगे बढ़ती हुई परेड। आदरणीय महानिदेशक महोदय, स्वागत शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी जी, सीमा प्रबंधन विभाग की सचिव आदरणीय श्रीमती स्नेहलता कुमार, अन्य केंद्रीय पुलिस बलों के महानिदेशकगण व अन्यान्य अफसरान, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया से पधारे मित्रों, बल के अधिकारियों, बहादुर साथियों और प्यारे बच्चों, आज सशस्त्र सीमा बल की 51वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर जिस परेड का आयोजन किया गया है उसमें मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं उन समस्त बल कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह बलिदान आने वाले समय में संपूर्ण बल को प्रेरित करता रहेगा। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे दो विशेष अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। ये दो अतिथि हैं रॉयल भूटान पुलिस के चीफ मिस्टर किपचू नामग्याल तथा आम पुलिस फोर्स नेपाल के इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर कोशराज ओंटा। मैं हम सब की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा हम पर किए गए हमले से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी बाहरी आक्रमण से सीमा की रक्षा हेतु सुप्रेरित सीमावर्ती जनता की भागीदारी अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1963 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो का गठन किया गया था जिसका मुख्य कार्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता में देश प्रेम की भावना जगाना और उनको राष्ट्र की सुरक्षा में समान स्तर का भागीदार बनाते हुए राष्ट्र की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करना था। इस कार्य में स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए करीब 4 दशकों की अवधि के लिए अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। कारगिल युद्ध के उपरांत जुलाई 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा को और प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने वन बॉर्डर वन फोर्स के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 17 अप्रैल सन 2000 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा स्पेशल सर्विस ब्यूरो को गृह मंत्रालय के अधीन कर इसे 15 जनवरी 2001 से बतौर एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित किया गया। निर्णय के अंतर्गत एसएसबी को 19 जून 2001 को 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया। साथ ही इसे भारत नेपाल सीमा पर लीड इंटेलिजेंस एजेंसी का दायित्व भी दिया गया।
इस प्रकार एसएसबी के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नई भूमिका के दृष्टिगत वर्ष 2003 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो का नाम सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया, लेकिन अपने संक्षिप्त नाम एसएसबी के साथ साथ इसका मोटो सेवा सुरक्षा बंधुत्व यथापूर्व ही रहा। एसएसबी को भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 2004 में एक और अतिरिक्त जिम्मेवारी देते हुए इसे 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया एवं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लीड इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसे बनाया गया। इसीलिए सेवा सुरक्षा बंधुत्व के मोटो से प्रेरित होकर हमारे जवान भारत नेपाल एवं भारत भूटान की खुली और विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सौहार्द के दूत बनकर कार्य कर रहे हैं तथा जनता के दिलों में एक अहम स्थान बनाने में सफल हो रहे हैं। भारत नेपाल तथा भारत भूटान की सीमाओं पर एसएसबी की तैनाती का ये कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा हुआ है। मित्रवत देशों के साथ खुली सीमा की सुरक्षा एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें संबंधों की मधुरता को बनाए रखते हुए राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सजग एवं सचेत रहकर कार्य करना पड़ता है। एसएसबी द्वारा भारत नेपाल एवं भारत भूटान की सीमाओं पर इस वर्ष 118 करोड़ से ज़्यादा रुपयों से मूल्य की सामग्री बरामद की गई है, जिसमें 41 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ, 5,33,000 रुपए के जाली नोट, लगभग 28 करोड़ 1 लाख रुपए मूल्य के निषिद्ध पदार्थ शामिल हैं तथा साथ ही साथ 159 लाख मूल्य की अन्य मुद्राएं जब्त की गई हैं। इस दौरान एसएसपी द्वारा कुल 2,104 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1976 तस्कर, 68 एनडीएफबी के उग्रवादी, 46 माओवादी तथा 14 घुसपैठिए शामिल हैं। महोदय, एसएसबी को जनवरी 2008 में महिलाओं की भर्ती करने वाला भारतवर्ष का प्रथम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने का गौरव भी प्राप्त है। आज यह 77,350 की कार्मिक संख्या वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। भारत सरकार द्वारा एसएसबी के विशिष्ट कार्यों के दृष्टिगत भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमाओं पर 44 बटालियंस की तैनाती के साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर व लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों में भी 11 बटालियंस तैनात की गई हैं। इसके साथ ही हमारी 2 बटालियंस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये सभी बटालियंस अपने कार्य क्षेत्र में राज्य पुलिस के साथ मिलकर दक्षता से कार्य कर रही हैं। जल्द ही एसएसबी की 3 और बटालियंस नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ेंगी। इस वर्ष संपन्न हुए आम चुनावों में एसएसबी की 188 कंपनियों ने 12 राज्यों में शांतिपूर्ण एवं सफल मतदान कराने में अहम भूमिका निभाकर लोकतंत्र की मजबूती में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे चुनौती भरे कार्यों से बल कर्मियों को देश के सामने मौजूदा गंभीर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि अपनी कार्य कुशलता को साबित करने का भी मौका मिला। बल के आधुनिकीकरण तथा अन्य सुधारों हेतु सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न मदों में आवंटित यथोचित धनराशि के लिए भी हम गृह मंत्रालय के आभारी हैं। महोदय, एसएसबी इस मायने में एक विशिष्ट बल है कि इसमें एक प्रशिक्षित नॉन कम्बेटाइज विंग भी है, जो वर्दीधारी कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी प्रकार की समान दुरूह परिस्थितियों में बल के आसूचना तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। बल के इन सिविल कर्मियों के करियर की बेहतरी के लिए उपयुक्त प्रशासनिक उपायों की स्वीकृति के लिए मैं आज इस अवसर पर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। मेरा आग्रह है कि जिस तरह वर्दीधारी कर्मियों को कठिन व दुरूह क्षेत्रों में तैनाती के दौरान वित्तीय भत्ते एवं अन्य लाभ मिलते हैं, उसी तरह इन सिविल कर्मियों को भी वो सभी लाभ अगर मिल सकें तो इससे उनका मनोबल ऊंचा होगा। महोदय,
बल का परसेप्शन मैनेजमेंट एवं आसूचना तंत्र सदा से हमारी एक विशेष दक्षता, क्षमता एवं शक्ति रही है। अपने पूर्व के रोल को जारी रखते हुए एसएसबी ने सीमांत की जनता एवं अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले लोगों के साथ प्रत्यक्ष व सीधे जनसंवाद स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 1250 गांवों में 26,513 ग्रामीणों की चिकित्सा कर स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहयोग दिया है। एसएसबी ने कृषि प्रधान हमारे देश के उपरोक्त सीमांतों के किसानों के पशुधन को सबल एवं स्वस्थ बनाने के लिए बल के पशु चिकित्सकों ने सीमावर्ती 541 गांवों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर 42,648 पशुओं की चिकित्सा कर मुफ्त दवा वितरित की है। इसके अतिरिक्त हमने सीमांत के अनेक गांवों में सामुदायिक कल्याण, सामुदायिक विकास एवं सामाजिक जन चेतना के कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। इसी कड़ी में हमने हमारे भारत नेपाल सीमांत के इलाकों के थारू जनजाति के बच्चों को आज की इस भव्य परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मैं आप सभी से तालियों के साथ इन बच्चों के स्वागत के लिए अपील करता हूं। महोदय, सरकार की विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सशस्त्र सीमा बल ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसरों में ये सुविधा मुहैया कराई है और वहाँ के लोगों को अनुप्रेरित कर उनके बैंक खाते खुलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बल ने अपने क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से उपरोक्त योजना के तहत अब तक 1,59,464 से ज़्यादा बैंक खाते खुलवाए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान में भी हमने अपनी भागीदारी दर्ज की है। इस कार्यक्रम के तहत बल मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का स्वच्छता कार्यक्रम संचालित करना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही हमारी सीमांत वाहिनियों की हर बटालियन की प्रत्येक कंपनी ने एक एक सरकारी विद्यालय को अपनाकर वहां स्वच्छ शौचालयों के निर्माण, उनकी मरम्मत तथा उनकी लगातार सफाई सुनिश्चित करने का भी बीड़ा उठाया है। महोदय, भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सीमांत क्षेत्र के लोगों से हमारे संपर्क व आपसी सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष हमारे सभी सीमांत मुख्यालयों द्वारा टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई है। ये नंबर अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की धरपकड़, मानव तस्करी तथा वाहनों की चोरी जैसे अपराधों को रोकने एवं उनके नियंत्रण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सहयोगी सिद्ध हुए हैं। साथ ही इसके माध्यम से बल के कर्मियों की गतिविधियों की सूचना भी मुख्यालय को मिलेगी, जिससे हमारी कार्यप्रणाली में लगातार सुधार होगा। सीमावर्ती गांवों के विकलांगों के पुनर्स्थापन एवं उनको उपचार संबंधी सुविधाएं भी एसएसबी द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। जनता के बीच बल ने अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराते हुए सिलीगुड़ी एवं लखनऊ सीमांत मुख्यालयों में क्लेफ्ट लिप सर्जरी के शिविर लगाकर सीमांत क्षेत्रों के 263 से अधिक बच्चों की मुफ्त क्लेफ्ट लिप सर्जरी कराई जा रही है, जिससे उनके चेहरों पर फिर मुस्कान आ सके। जम्मू कश्मीर में 2014 में बाढ़ से हुई भारी तबाही में लोगों ने बल का मानवीय पक्ष भी देखा। इस प्राकृतिक आपदा में वहां की जनता की सहायता के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवान पूरे समय मिशनरी उत्साह से लगे रहे। हमारे जवानों ने इस प्राकृतिक आपदा के दौरान बहुत से लोगों की जानें बचाईं तथा उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराकर न सिर्फ भारी क्षति को रोका अपितु स्थानीय लोगों के बीच भारत सरकार की एक अच्छी छवि बनाई। इतना ही नहीं, बल के कर्मियों ने उच्च कोटि की मानविक संवेदना दर्शाते हुए अपने एक दिन के वेतन के रूप में 2,12,00,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में भी प्रदान किए। गोरखपुर में हुए रेल हादसे में भी हमारे जवानों ने बिना किसी बुलावे के 115 घायल यात्रियों की सहायता करके एक मिसाल प्रस्तुत की। इसी प्रकार
हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी की चपेट में आए 24 इंजीनियरिंग के छात्रों के तलाशी अभियान में भी बल के जवानों का योगदान अविस्मरणीय रहा। महोदय, वर्ष 2014 में एसएसबी ने खेल कूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। बल कर्मियों ने पिछले एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 13 पदक प्राप्त किए हैं। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। अधिकारियों एवं बल कर्मियों के पराक्रम एवं कर्तव्य परायणता को सम्मान देते हुए इस वर्ष बल के 3 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 22 अन्य को भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने आज हमारे 51वें वर्षगांठ समारोह में पधारकर हम सब का मान बढ़ाया है। महोदय, सशस्त्र सीमा बल के प्रति आपके इस स्नेह के लिए हम आपके आभारी हैं। अंत में सशस्त्र सीमा बल की 51वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर मैं सभी बल कर्मियों को एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आप पूर्ण निष्ठा और समर्पण से आत्मसात होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं देश की सुरक्षा को सर्वोच्च एवं सर्वस्व मानते हुए सशस्त्र सीमा बल को और अधिक यश तथा गौरव दिलाने में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बल के इस गरिमामय अवसर पर पदक विजेताओं को पदक प्रदान करें तथा तत्पश्चात उपस्थित जन समूह को संबोधित करने की कृपा करें। जय हिंद। महानिदेशक महोदय से सादर अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को अलंकरण समारोह के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। अलंकरण समारोह को शुरुआत देते हुए हम इस वर्ष राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेताओं को अलंकरण हेतु आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं श्री अविनाश चंद्र, महानिरीक्षक लखनऊ फ्रंटियर। श्री अविनाश चंद्र, श्री आर एस राणा, उप महानिरीक्षक सेवानिवृत्त। श्री आर एस राणा, सुश्री सोनम डोलमा, अनुभाग अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र शमशी। सुश्री सोनम डोलमा, we may call upon the recipients of Indian Police Medal now
एंड टू स्टार्ट विद श्री सुधीर कुमार डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स गुवाहाटी श्री सुधीर कुमार श्री सुमित जोशी कमांडेंट काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम श्री सुमित जोशी श्री वंदन सक्सेना कमांडेंट फोर्स हेडक्वार्टर्स श्री वंदन सक्सेना श्री एच के झा कमांडेंट कम्युनिकेशंस फोर्स हेडक्वार्टर्स श्री हेमंत कुमार झा श्रीमती लीना गुप्ता एरिया ऑर्गेनाइजर किशनगंज श्रीमती लीना गुप्ता श्री मनोहर लाल डेप्यूटी कमांडेंट 18th बटालियन बीरपुर श्री मनोहर लाल श्री बी आर चौहान डेप्यूटी कमांडेंट फोर्स हेडक्वार्टर्स श्री बी आर चौहान श्री सुरेंद्र विक्रम डेप्यूटी कमांडेंट 62nd बटालियन देवेंद्र नगर श्री सुरेंद्र विक्रम श्री जंग बहादुर सिंह गुंजियाल असिस्टेंट कमांडेंट 11th बटालियन डीडी हाट श्री जंग बहादुर सिंह गुंजियाल श्री पुष्कर सिंह
असिस्टेंट कमांडर ट्रेनिंग सेंटर सलोनीबाड़ी श्री पुष्कर सिंह। श्री होमेश्वर रॉय असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड 31st बटालियन गोसाईगांव। श्री होमेश्वर रॉय। श्री जगदीश प्रसाद आर्य सब एरिया ऑर्गेनाइजर बनबसा। श्री जगदीश प्रसाद आर्य। श्री तिलक गोगोई सब एरिया ऑर्गेनाइजर कोकराझार। श्री तिलक गोगोई। इंस्पेक्टर आर्मरर रिटायर्ड भुवन चेरिंग 16 बटालियन कोकराझार। इंस्पेक्टर आर्मरर भुवन चेरिंग। इंस्पेक्टर चंद्रलाल 59th बटालियन नानपाड़ा। इंस्पेक्टर चंद्रलाल। श्री धीरेंद्र नाथ वर्धन एक्स फील्ड ऑफिसर फोर्स हेडक्वार्टर्स। श्री धीरेंद्र नाथ वर्धन। श्री ए के दास फील्ड ऑफिसर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हेडक्वार्टर बोगाईगांव। श्री असीम कुमार दास। श्री एन एन बर्मन असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर मेडिकल कोकराझार। श्री नृपेंद्र नारायण बर्मन।
श्री एम एस गंगोला, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर वेटरनरी फोर्स हेडक्वार्टर्स, श्री महेंद्र सिंह गंगोला। श्री बी एन बर्मन, पियोन एरिया ऑफिस कोकराझार, श्री विश्वनाथ बर्मन। Now we may request the honorable chief guest to give away awards for the best battalion and best area. The award for the best operations battalion of SSB for the year 2014 goes to 1st battalion SSB Maharajganj of Lucknow Frontier, Shri Mithil Kumar, second in command, 1st battalion Maharajganj. Now the award for the best administrative battalion of SSB for the year 2014 goes to 53rd battalion Alipurdwar of Siliguri Frontier, Shri Ajay Kumar, second in command, 53rd battalion SSB Simlawadi Alipurdwar. And the award for the best area of SSB for the year 2014 goes to Balrampur area of Lucknow Frontier, Shri Suvendu Saha, Joint Area Organizer. मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि वे सशस्त्र सीमा बल की स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। महानिदेशक महोदय से आग्रह है कि आज के समारोह का स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री बंशीधर शर्मा जी, रॉयल भूटान पुलिस के चीफ श्री किपचू नामगेल, नेपाल सशस्त्र
पुलिस बल के आईजी श्री कोसराज बंत, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, सशस्त्र सीमा बल के मेरे बहादुर जवानों एवं उनके परिवारजनों, मैं आज एसएचबी की 51वीं वर्षगांठ के अवसर समस्त बल कर्मियों और उनके परिवारजनों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। आज इस उत्कृष्ट परेड का हिस्सा बनकर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारा देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व हमारे उत्कृष्ट बलों के सशक्त हाथों में है और मैं इसे स्वयं को गौरवित महसूस करता हूं। 1963 से अपने गठन के समय से स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने वर्ष 2001 तक अपने समस्त उत्तरदायित्व को निर्वहन कुशलता और मुस्तैदी से किया है। अपने पुराने स्वरूप में एसएसबी ने सीमांत इलाकों की जनता में न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा की भावना जागृत की बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदार बनकर लगभग 40 वर्षों से एक सशक्त बॉर्डर डिफेंस भी खड़ा किया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भावना से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्ष 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अनुशंसा के बाद एसएसबी को गृह मंत्रालय के अधीन एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में रूपांतरित किया गया और इसके उपरांत वर्ष 2001 में इसे भारत नेपाल सीमा की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2004 में एसएसबी को भारत भूटान सीमा पर भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2003 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो का नाम नए उत्तरदायित्व के अनुरूप सशस्त्र सीमा बल के रूप में परिवर्तित हुआ। इस तरह एसएसबी अब भारत नेपाल तथा भारत भूटान दोनों सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। वैसे तो देश की हर सीमा महत्वपूर्ण है, किंतु भारत नेपाल भारत भूटान की सीमाएं दोनों मायनों में बिल्कुल अलग है। एक तो सीमाएं बिल्कुल खुली है और यहां लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों की पहचान करना मुश्किल है, तथा दूसरी ओर नेपाल और भूटान सदियों से हमारे मित्र देश रहे। एसएसबी ने इन दोनों सीमाओं पर इन तथ्यों को मदद देते हुए अपने आसूचना तंत्र का प्रयोग करते हुए असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी एसएसबी अपने दायित्वों में खरा उतरेगा, साथ ही मित्रवत देशों से हमारे संबंध और अधिक अच्छे बनाने में मददगार होगा। मुझे ये जानकर अत्यंत खुशी हुई है कि इन सीमाओं पर एसएसबी ने इस वर्ष 1 अरब से ज्यादा की गैर कानूनी सामग्री तथा 2104 आपराधिक तत्वों को भी गिरफ्तार किया है, जो अत्यंत सराहनीय है। आंतरिक सुरक्षा के तहत एसएसपी जम्मू कश्मीर एवं वामपंथी हिंसा से प्रभावित राज्यों में तथा आपदा प्रबंधन कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।
मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि एक सशस्त्र बल होने के बावजूद ये बल अपनी मैत्रीपूर्ण छवि के लिए भी जाना जाता है। मैं इस अवसर पर यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जनधन योजना तथा स्वच्छ भारत अभियान जो अपने प्रधानमंत्री की इच्छा है उसको लागू करने में जिस जोश के साथ एसएसबी के जवानों ने योगदान दिया है उनके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा गोरखपुर की आपदाओं के दौरान एसएसबी के जवानों के द्वारा किए गए कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एसएसबी द्वारा जनता के साथ जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर का शुरू करना एक अच्छा प्रयास है। इससे न केवल तस्करों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी बल्कि बल के अंदर की कमियों की भी जानकारी प्राप्त होगी। आसूचना तंत्र एसएसबी की विस्तृत रही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अपने पुराने अनुभव एवं नई तकनीक से आप इसे और भी बेहतर बनाएंगे जिससे भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमाओं पर आप हर प्रकार से राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोकने में सफल होंगे। साथ ही आसूचना तंत्र के गैर वर्दीदारी कर्मियों की सुविधा को वर्दीदारी कर्मियों की सुविधा के अनुरूप किए जाने के महानिर्देशक एसएचपी के प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा। मैं इस अवसर पर उन अधिकारियों और जवानों को जिन्हें वीरता सराहनीय विशिष्ट सेवा को लिए माननीय राष्ट्रपति के पदकों के सम्मानित किया गया है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले 30 सालों से पहली बार भारत में संपूर्ण बहुमत वाली आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा दीर्घदृष्टि वाला प्रधानमंत्री अपने देश में आए हैं। उनके आने के बाद जो भारत की सभी पूरी दुनिया में बिगड़ी हुई थी लेकिन प्रधानमंत्री ने जो विदेशों में प्रवास किया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भूटान, नेपाल और जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे विश्व में अपनी भारत की छवि अच्छी हुई है उनका लाभ भी अपना देश को मिलेगा। मुझे विश्वास है भारत एक अच्छा राष्ट्र बनेगा और इसमें एसएसबी का योगदान भी रहेगा। अंत में मैं एसएसबी के समस्त अधिकारियों और जवानों को पुनः इस अवसर पर बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी चुनौतियों को पूरी निष्ठा और दृढ़ता से सामना करेंगे और बल को नई ऊंचाई देंगे। आज मैं यहाँ आया, मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी परेड भी अच्छी थी, आपका कार्यक्रम भी अच्छा है, इसलिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके ये प्रेरणादायी शब्द वर्षों तक हम सबके मानस पटल पर अंकित रहेंगे। अब समारोह के उल्लास को औपचारिक रूप से व्यक्त करने के क्रम में परेड द्वारा हर्ष ध्वनि की जाएगी। सशस्त्र सीमा बल का निशान अब परेड ग्राउंड से वापस जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा अनुरोध है कि ध्वज के सम्मान में खड़े हों, अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी निशान के सम्मान में सैल्यूट करें।
वर्ष 2004 में इस मैदान में एक ओजपूर्ण समारोह में सशस्त्र सीमा बल को राष्ट्रपति का अलंकरण प्राप्त होते देखा था। बल को राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त यह निशान बल की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है। जो अपने कंधों से बढ़ पर्वत से टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की जंजीर, वो है सशस्त्र सीमा बल के वीर। परेड कमांडर श्री सुधीर वर्मा मुख्य अतिथि महोदय से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हुए। परेड को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें विमान। इक्यावनवीं स्थापना दिवस के परेड कमांडर श्री सुधीर वर्मा मुख्य अतिथि महोदय से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त कर वापस अपने स्थान पर जाते हुए। सशस्त्र सीमा बल के जवान आज हिमालय की भांति भारत नेपाल व भारत भूटान सीमा पर हमारे प्रहरी और संतरी बनकर सीमा की रक्षा में तैनात हैं और सीमावर्ती जनता को यह विश्वास दिला रहे हैं कि दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, ये जवान अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आत्मा का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, तारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बैठ के इस मधुर स्वरहरी पर परेड वापस प्राचीर द्वार के अंदर जाते हुए। Coming towards the saluting, this is the SSB Pipes and Drums Band under the command of Inspector Mohammed B. Doza. Let me inform you, ladies and gentlemen, that this Pipes and Drums Band of SSB got third position in the recently held All India Band Competition, Police Band Competition. After the parade, ladies and gentlemen, we have two demonstrations for you. The first is the demonstration by the dog squad of SSB. और अब आपके सामने सशस्त्र सीमा बल के श्वान आज्ञा पालन की अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने आ रहे हैं। आदिकाल से ही
श्वान व मानव मित्र रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला, सदैव तत्पर, आज्ञाकारी एवं प्रत्येक कठिन परिस्थिति में अपने मालिक का सबसे अच्छा मित्र श्वान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। श्वान दल सैल्यूट मुद्रा में। श्वान बिट्टू गुलदस्ता लेकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए अग्रसर। श्वान द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया। आप देख रहे हैं श्वान दल के श्वान आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए। आपसे अनुरोध है कृपया ताली बजाकर इनकी हौसला अफजाई करें। सशस्त्र सीमा बल में श्वान दस्ते को वर्ष 2005 में शामिल किया गया। बल के इन निडर एवं कुशल सैनिकों ने तब से लेकर आज तक न केवल भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमा पर कुशल प्रहरी के रूप में बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं जम्मू कश्मीर के नक्सल एवं आतंकवाद प्रभावित इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विभिन्न अभियानों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की है। एसएसबी के श्वानों ने भी हमारे सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मोटो को आत्मसात कर लिया है। अपने विकलांग हो चुके परिचारक के मौखिक आदेशों का त्वरित पालन करते हुए श्वान स्वीटी अपनी सेवा योग्यता सिद्ध कर रही है। श्वान अपने परिचालक के आदेशों को सुनकर, देखकर एवं शारीरिक हलचल से जानकर उस पर कार्रवाई करते हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अभी आपने श्वान स्वीटी के सेवा भाव का प्रदर्शन देखा। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल में लैब्राडोर व एल्सेशियन नस्ल के प्रशिक्षित श्वान हैं। ये श्वान विस्फोटकों, मादक पदार्थों, खोजी श्वान व रक्षक श्वानों के कर्तव्यों को निभाने में बखूबी प्रशिक्षित हैं, जिनका प्रशिक्षण सशस्त्र सीमा बल के श्वान प्रशिक्षण केंद्र अलवर में दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल के दूसरे मूल मंत्र सुरक्षा को आप इस प्रदर्शन में कार्यान्वित होता देख सकते हैं। सीमा चौकी पर तैनात श्वान किस प्रकार से अपनी सुरक्षा योग्यता सिद्ध कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति
एवं गैर कानूनी रूप से सीमा के आर पार जाने वाले सामानों को पकड़कर ये श्वान सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। श्वान अत्यंत समझदार, वफादार, चुस्त और बुद्धिमान प्राणी है। इनकी सूंघने, सुनने एवं देखने की क्षमता आम मनुष्यों से कई गुना अधिक होती है। और देखिए, श्वान द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर लाया गया। और अब बल के सात श्वान आज्ञापालन की मनमोहक प्रस्तुति देने आ रहे हैं। बल के श्वान दस्ते के लिए विगत वर्ष विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। लखनऊ फ्रंटियर के श्वान बाज ने चार डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री की पहचान कर एक बड़े हादसे को होने से टाल दिया। इसी प्रकार 42वीं वाहिनी जम्मू कश्मीर के श्वान हिप्पो ने बड़ी मात्रा में असलहे बारूद की पहचान कर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद की। श्वान हिप्पो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण स्थापना दिवस परेड में भाग नहीं ले सका है। सामान्य आज्ञा पालन की मिसाल प्रस्तुत करते हुए श्वान अपने मास्टर के आदेश पर अपनी चिर परिचित वफादारी का कौशल दर्शा रहे हैं। प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनसुना करते हुए केवल अपने परिचारक के इशारे पर ये श्वान काम कर रहे हैं। अभी तक आपने सेवा एवं सुरक्षा से संबंधित श्वान प्रदर्शनों को देखा। अब आपके सामने प्रस्तुत है बंधुत्व का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। आपके सामने बास्केटबॉल का रोमांचकारी मैच होने जा रहा है, श्वान बाल्स और लैरी के बीच। रेफरी के एक ओर काले रंग में है श्वान बाज और भूरे रंग में है श्वान लैरी। इस प्रकार की मनोरंजक क्रीड़ाओं द्वारा श्वान सैनिकों का तनाव दूर करते हैं, साथ ही साथ श्वानों का मनुष्य से संबंध
और प्रगाढ़ होता है। और ये मैच 2-1 से बाज ने जीत लिया है। और अंत में आपके सामने हैरत अंगेज प्रदर्शन करने आ रहे हैं श्वान लैरी, चेतक, मार्शल, बिट्टू और ड्यूट। श्वान दल के श्वान विभिन्न बाधाओं को अदम्य साहस और निडरता से पार करेंगे। अपने सामने की बाधा पार करते हुए ये श्वान दर्शा रहे हैं कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात ये श्वान विभिन्न बाधाओं की परवाह किए बगैर पूरी तत्परता से अपने कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। आग, पानी, दुर्गम रास्ते और सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे ये श्वान पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, जिसका प्रदर्शन आपके समक्ष श्वान द्वारा किया जा रहा है। सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर श्वानों ने अपनी फिजिकल फिटनेस का प्रदर्शन किया। सो दिस वॉज द डेमोंस्ट्रेशन बाय the dog squad of SSP. Now the next demonstration, ladies and gentlemen, before you is sepak takraw. Sepak takraw khel ka janm Malaysia evang Thailand se hua hai. Malaysiai bhasha mein sepak ka arth kick se hai, tatha Thai bhasha mein takraw ka arth गेंद से है। यह पैरों की मदद से खेला जाने वाला खेल है। हाथों का प्रयोग इस खेल में वर्जित है। इस खेल का प्रदर्शन प्रथम बार 1982 के एशियाड में दिल्ली में हुआ था। तथा पहली बार वर्ष 1990 में इसे बीजिंग एशियाड में विधिवत रूप से शामिल किया गया। माय राइट साइड टीम ए, माय लेफ्ट साइड टीम बी। प्ले। यह एक इंडोर खेल है जिसमें कोर्ट का माप 44 फीट गुने 20 फीट होती है। सेपक टकराव खेल में चार प्रतियोगिता होती है। टीम प्रतियोगिता जिसमें 12 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 3 रिजर्व में होते हैं। रेगु प्रतियोगिता जिसमें 5 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, 3 रिजर्व में रहते हैं। डबल प्रतियोगिता जिसमें 3 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और 3 रिजर्व में रहते हैं। और हुप प्रतियोगिता जिसमें 6 खिलाड़ी प्रतिभागी के तौर पर भाग लेते हैं और 3 रिजर्व में रहते हैं। यह वॉलीबॉल की तरह खेला जाने वाला खेल है। टीम बी, एसएसबी में वर्तमान में 8 सेपक टकराव खिलाड़ी हैं।
एक राष्ट्रीय तथा 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। एसएसबी के इन खिलाड़ियों द्वारा बल हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कई पदक जीते गए हैं। वर्ष 2009 से वर्तमान तक एसएसबी टीम ने इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक, 3 रजत व 1 कांस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 12 पदक, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक प्राप्त कर बल का गौरव बढ़ाया है। This was Sepak Takraw. The next demonstration we have before you is Thang Ta. पारंपरिक मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगटा में थांग का अर्थ है तलवार और टा का अर्थ है भाला। थांगटा का प्रयोग मणिपुरी शासकों द्वारा आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। थांगटा का प्रदर्शन कर रहे हैं हेड कांस्टेबल दिनेश्वर सिंह और हेड कांस्टेबल रतन कुमार।
So this was Thang Ta, ladies and gentlemen. And after this martial arts show, we have a colorful presentation from the recruits of training center Shamshi. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हरद जाते बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा चैन तरज थई म्यान तरज वट बनिए संतरन तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा जो सुर तुझे सा प्यारा मिले तदे गीत असा जो मधुर तरानो बने तदे सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दारूप लेके बरसन होले होले நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழி சேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை എന്തേ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി সৃষ্টি করো কই কশু তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কই কশু সৃষ্টি হোক কই কোতা চালু
आपनो सुर निराळो। माझा तुमचा जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की was Mile Sur Mera Tumhara, a colorful presentation by the recruits of Training Center Shamsi. And now, ladies and gentlemen, hold your breath for the daredevils of SSB. और अब आपके सामने आ रहे हैं धैर्य साहस व रोमांच के प्रतीक daredevils, जिनको तैयार किया है 25वीं वाहिनी घिटौरनी के उप सेनानायक श्री अनिल नेहरा ने। इन्होंने गत वर्ष भी स्थापना दिवस परेड में daredevils टीम का नेतृत्व कर बल का मान बढ़ाया था। जंग में कागजी अपराध से होता है क्या, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से होता है क्या। इस मैदान की चुनौतियों को स्वीकारते हुए श्री अनिल नेहरा और उनकी टीम ने जिस बहादुरी और साहस से इस प्रदर्शन को तैयार किया है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने daredevils के बाकी शो पक्के समतल सीधी व काली सड़कों पर देखे होंगे, पर हमारी daredevils टीम के ये जाबाज कच्चे ऊंचे नीचे और चार चार मोड़ों वाले इस ग्राउंड की सभी चुनौतियों को पार कर आपके मनोरंजन के लिए साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले उप सेनानायक श्री अनिल नेहरा की अगुवाई में daredevils का सैल्यूटिंग दस्ता स्टैंडिंग पोजीशन में साहस व संतुलन का अद्भुत परिचय देते हुए मुख्य अतिथि को सम्मान देकर हमारे सामने प्रेरणा के नए सूत्र पिरोता हुआ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रध्वज तिरंगे के रूप में सजी daredevils की ये तितलियां स्वच्छंद व उन्मुक्त भाव से मंच की ओर बढ़ती हुई हमें एकता प्रेम व भाईचारे का संदेश दे रही। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। ऑलराउंड डिफेंस का प्रदर्शन करती एसएसबी की महिला कांस्टेबल्स, आप सभी को बताना चाहूंगा कि सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में एसएसबी की महिला वाहिनी को पहली महिला वाहिनी होने का गौरव प्राप्त है। अभी आपके सामने 10 महिला आरक्षी एक मोटरसाइकिल पर हाथों में हथियार लिए
सुरक्षा के विभिन्न मुद्राओं में भारत नेपाल तथा भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा को मजबूती से दर्शाती हुई मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए। संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा हो या फिर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवादी खतरे से लेकर नक्सली खतरे तक निपटने के लिए तैयार हैं ये महिलाएं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ ऐसा ही संदेश देते हुए कांस्टेबल गंगा और सुनील की ये जोड़ी। हिमालय की ऊंचाइयां भी इस जवान के हौसले को नहीं पिघला पाई। चाय की चुस्कियां लेने का इनका यह अंदाज अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कुछ ऐसी भावनाएं लिए देशभक्ति के रंग में रंगी और फूल के आकार में सजी डेयर डेविल्स टीम की यह झांकी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और एसएसबी ध्वज का मान बढ़ाते हुए मंच से गुजर रही है। जोरदार तालियों से इस झांकी का स्वागत करें। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारों। और एक बार फिर उप सेना नायक श्री अनिल नेहरा आपके सामने एक हैरतअंगेज कर्तव्य लेकर आ रहे हैं। यह प्रदर्शन यह साबित करता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। ड्यूटी के साथ साथ सामान्य ज्ञान एवं समाचार, अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी एसएसबी के इस जवान ने चलती मोटरसाइकिल पर न्यूज़पेपर पढ़ने का वक्त निकाल ही लिया। जोरदार तालियां हो जाए इस जवान के लिए। ताकत व संतुलन की मिसाल फरारी की सवारी। 350 सीसी की इस बुलेट मोटरसाइकिल पर 18 जवान एक दूसरे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। गिर गिर कर सीखा है चलना हमने, कोई क्या डिगाएगा हमारे कदमों को। ताकत हमारी एकता में है, कोई क्या मिटाएगा हमारी हस्ती को। एकता बहादुरी साहस व संतुलन का प्रतीक यह दस्ता अपने चिर परिचित अंदाज में मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ। 18 जवानों से सजा यह दस्ता तिरंगे को हवा में लहराते हुए भारत सरकार के मजबूत इरादों को दर्शा रहा है। So this was all in the parade today. We are all thankful to you. I may now request the award winners, the parade commander and the contingent commanders to please move to the central officers' mess for a photo session with our honorable chief guest. And further, I would like to request all the officers along with their families to proceed to the central officers' mess for the high tea with the chief guest.